मुझसे शादी करोगे नए फॉर्मेट के हिसाब से जो है अब सभी कंटेस्टेंट को जो है सना और पारस का टाइम अर्न करना पड़ेगा। आप ऐसे ही उनके साथ डेट पर नहीं जा सकते। आज रात को होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क, जिसकी कुछ स्नीक पीक हमारे साथ की गई है शेयर, जिसकी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज जब माही विज और जय भानुशाली घर के अंदर आए हैं तो ऐसे में जय जाते हैं घर के अंदर, और बाहर जो है सीक्रेट रूम से सना और पारस घर के अंदर कंटेस्टेंट को फोन करके अपने पसंदीदा खाना बनाने की बात करते हैं। फूड ट्रक लगाया गया है और उसी में सारा सामान है, एक एक करके हर कोई खाना बनाएगा इनका फेवरेट खाना, और जो अच्छा बनाएगा वो जाएगा डेट पर। लेकिन सना को क्या हो गया है? सना जो है रोहन प्रीत को बोलती है कि मुझे तुमसे डार्लिंग सुनना पसंद है, उनसे फोन पर मांगती है किस और कहती है कि मैं बहुत स्पाइसी हूँ। कहीं ना कहीं सना इस पूरे शो में अब जो है एकदम इन्वॉल्व नजर आ रही हैं और आपको एंटरटेन करती हुई नजर आएंगी। तो मैं शुरुआत करती हूँ पहले, सबसे पहले उनके कंटेस्टेंट से, जो फेवरेट कंटेस्टेंट है मयंक, उनको टास्क मिलेगा डोसा बनाने के लिए। और वो कैसा डोसा बनाएंगे, जिसको देखकर बल्लू बोलेंगे, उनके वन लाइनर वैसे भी हिट है, कि डोसा सांभर के साथ खाना पड़ता है लेकिन डॉक्टर साहब का ये डोसा जो है हिम्मत के साथ खाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जितने टुकड़ों में वो डोसा बनाए ना, उसको देखकर जो है बल्लू बोलेंगे कि ऐसा लग रहा है 3-4 प्लेट का बचा हुआ डोसा एक साथ मिलाकर दे दिया है। तो कुछ ऐसा डोसा देखने को मिल रहा है, मैंने भी ऐसा डोसा कभी नहीं देखा। आप जब रात के एपिसोड में देखेंगे तो आप भी सरप्राइज हो जाएंगे कि ये डोसा है या क्या है। हालांकि वही डोसा जो है दिया जाता है सना को। उसके बाद वो रोहन प्रीत को ऑर्डर देती है सैंडविच का। रोहन प्रीत पूछते हैं कि स्पाइसी बनाना है, तो कहते तुम्हें नहीं पता, मैं अगर स्पाइसी हूँ तो मुझे नहीं पसंद आएगा। कहते ओके डार्लिंग, कहते मुझे वो वर्ड बहुत अच्छा लगा, सना बोलेंगी कि यानी रोहन के मुंह से डार्लिंग शब्द सुनना सना को अच्छा लगा और वो फिर से डार्लिंग बोलेंगे। और जब वो फोन रखने वाले होंगे तो सना उनसे मांगेंगी किस और रोहन उनको फोन पर करेंगे किस। ये देखकर सारे घर वाले सरप्राइज हो जाएंगे और रोहन जो है मस्ती में नाच उठेंगे। सैंडविच कैसा बना ये तो रात का एपिसोड देख के पता चलेगा, लेकिन फोन की उन दोनों की कॉन्वर्सेशन बहुत स्पाइसी होने वाली है, ये हमने देखा है। पारस की बारी। पारस लड़कियों में जसलीन को देंगे टास्क और देंगे हिना को। जसलीन को वो बोलेंगे मेरे लिए हनी चिल्ली पोटैटो बनाओ। हनी चिल्ली पोटैटो बनाने का टास्क दिया जाएगा और जसलीन बोलेंगी मुझे जो है पारस के लिए सबसे अच्छा खाना बनाना, और अपना हाथ भी जला लेती हैं। और साथ ही वो बोलती है मुझे ऐसा लग रहा है मैं खाना कम बना रही हूँ बल्कि किसी जंग पर जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो पूरा ऐसा टास्क होने वाला है। और जब वो हिना को बोलेंगे खाना बनाने के लिए तो बोलेंगे सेक्सी, पारस उनको ये बोलते हुए नजर आएंगे और बोलेंगे तुम मेरे लिए नूडल्स बनाओ, और वो उनके लिए बनाएंगी नूडल्स। तो आज का जो ये टास्क है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कौन सबसे अच्छा खाना बनाएगा, वो जो भी बनाएगा उसको जाने को मिलेगा डेट पर पारस और सना के साथ। तो अब जो है शो का फॉर्मेट जिस तरह से बदला है, उस हिसाब से इन सबके टास्क जो दिए जा रहे हैं और इनको इम्प्रेस करने के लिए बोला जा रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, सना जो है काफ़ी इस शो में इन्वॉल्व नज़र आने लग गई है। अब गौतम ने जैसा वीकेंड में बोला था कि आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो वो सना में दिख रहा है कि हाँ अब वो शो में इन्वॉल्व हो चुकी हैं और वो शो को इन्जॉय कर रही हैं। तो आज रात के इस एपिसोड का हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, आप कर रहे हैं या नहीं ज़रूर बताइएगा। लेकिन कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।